देश को ऐसे सम्राट की जरूरत है जो तलवार की तरह अड़िग और ओजस्वी हो, परंतु मन में करुणा, बुद्ध जैसा तपस्वी हो। ऐसा था सम्राट अशोक। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या प्यारी कविता सुनाई है आपने। हम आपसे बहुत खुश हैं। इन्हें 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। शुक्रिया। अब हुजूर आप कुछ सोच रहे हैं? मुझे पता है, फूफू सोच रहे हैं कि वो ये राजपाट छोड़ छाड़ कर कलाकार बन जाते और कविताएं सुनाते, 100 मोहरे कमाते। अरे वाह 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 वाह। हटो बेटा हटो, जरा हम भी तो सुने। हमारे शाही शहंशाह शौहर क्या सुनवाना चाह रहे? रानी साहिबा, अभी अभी यहाँ पर एक कवि आए थे, उन्होंने हमें सम्राट अशोक की गाथा सुनाई। रानी साहिबा, हम चाहते हैं कि आने वाले 100, 200, 500 सालों में आने वाली पीढ़ियां हमारी यानी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का यूं ही गुणगान करें। आपका ख्याल बेमिसाल है जापाना। हिंदुस्तान की सरजमीं पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद अगर उनके जैसा कोई आला अव्वल और आलिशान बादशाह है तो आप है जापाना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अबू फजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बस बस जापाना, और मत फूलिए, वैसे भी आप तंबू की तरफ फूल गए। अनी साहिबा, आप तो बस रहने दीजिए, अबू फजल जी आप हमें बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आने वाली नस्ल हमें याद करे और करती ही रहे। जापाना, आपको एक किताब लिखवानी चाहिए जिसमें आपकी सारी गाथाएं लिखी हो। अकबर गाथा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को भी आज लोग इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उनके बारे में कोई लिख कर गया है। माफ कीजिएगा अबू फजल जी, पर सम्राट अशोक ने कभी खुद अपनी गाथा नहीं लिखी, कभी खुद के मुंह से अपना गुणगान नहीं किया। तो क्या हुआ, हमारे सम्राट अशोक से एक कदम आगे चलेंगे और अपनी गाथाएं खुद लिखवाएंगे। हाँ बहुजूर, और आपकी फौलादी गाथा हम लिखेंगे अपने इन फौलादी हाथों से, क्योंकि शाही खून है, हम शाही गाथा लिखेंगे। अगर आपने हमारी गाथा लिखी तो मरने के बाद तो बहुत दूर की बात, लोग अभी इसी जन्म में जीते जी हमें भूल जाएंगे। कि क्या कह रहे आप जापाना, हमेशा हमारे बेटे की बेइज्जती करते रहते आप। काश काश ये दोनों हमारी जिंदगी में होते ही ना। तो जापाना, आपकी गाथा कौन सुनता। दखलिया। जापाना, कहिए ना रानी साहब। क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? 100 पूछिए। 100 तो पूछेंगे ना। क्या अगले जन्म में भी आप हमारे शौहर बनना पसंद करेंगे? अरे रानी साहब, इस जन्म में पछता क्या नहीं रहे हैं तो अगले जन्म में भी आप ही का साथ चाहेंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं रानी साहब। गुस्ताखी माफ जहां बना। आइए आइए आइए, एक जरूरी खबर देनी है। हमारी उत्तरी सीमा पर त्रिशा नदी का बांध टूटने से सैकड़ों की जाने चली गई और ना जाने कितने बेघर हो गए। ये तो बहुत ही बुरी खबर है, राहत के काम शुरू करवाइए, जरूरतमंदों को जिस भी चीज की जरूरत हो वो हम मुहैया कराएंगे, ऐलान करवा दीजिए आप। वैसे बीरबल कहाँ है? वो तो आराम फरमा रहे होंगे, उनका तो काम हो गया। कौन सा काम? माफ करें जहांपनाह, पर जिस तरह आज बीरबल जी ने आपकी गाथा लिखने की बात के खिलाफ आवाज उठाई, उसमें तो हमें किसी साजिश की भू आती है। कैसी साजिश? जलते हैं वो आपसे, आपकी शोहरत से, आपकी शख्सियत से, इसीलिए तो आपकी गाथा नहीं लिखवाना चाहते। देखना, एक दिन वो चोरी छुपे अपनी खुद की गाथा लिखवा लेंगे,
और आने वाली पीढ़ी आपको भूलकर बीरबल जी को याद रखेगी। देखिए अव्वल तो बीरबल ऐसा करेंगे नहीं, रही बात हमारी तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की गाथा तो अब हम लिखवा कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? इसी महल में। वो तो हम आपको इस महल में रहने देते हैं इसलिए आप यहाँ रहते हैं, पर कहने का मतलब है कि आप कहाँ हैं? आपको क्या इस बात का इल्म है कि हमारी रियासत के एक हिस्से में बाढ़ आई हुई है? जी जापाना, और हमने एक दल को सामग्री लेकर वहीं भेजा है। फिर भी अगर आपको हमसे कोई शिकायत है तो माफी चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे होंगे, लेकिन बीरबल हमने आपको यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि हमने फैसला कर लिया है, हमारी गाथा लिखी जाएगी। जापाना हम आपको एक बार फिर समझा रहे हैं, लेकिन हम समझना ही नहीं चाह रहे। एक बार हमने फैसला कर लिया उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते। बड़े दबंग किस्म के इंसान हैं आप, तो ये आपका अंतिम फैसला है? जी हाँ, ये हमारा आखिरी फैसला है और इस गाथा को लिखवाने की पूरी जिम्मेदारी होगी आपकी। क्या सोच रहे हैं आप बीरबल, क्या आपको हमारे इस फैसले से एतराज? नहीं, एतराज नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि आपकी गाथा को लिखवाने के लिए कई प्रतिभावान लेखकों की जरूरत पड़ेगी और शोधकर्ताओं की भी, इसमें बहुत सारा खर्चा होगा। कमाल की बात करते हैं आप, हमारे शाही खजाने में बहुत धन है, आपको जितनी दौलत की जरूरत है ले लीजिए, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश तो आपको पूरी करनी ही होगी। हुक्म की तामील हो। गाथा लिखी जाए बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की। बीरबल जी, वो हम डर गए। वासु, हमने कहा था ना कि बीरबल जी डर जाएंगे। बीरबल जी, हमने सुना है कि आप अब्बा हुजूर के लिए अब्बू गाथा लिखवा रहे हैं। हाँ। शाही खून है हम बीरबल जी, और हम चाहते हैं कि आप अब्बा हुजूर के साथ साथ हमारे बारे में भी उसमें लिखें, ताकि लोग अब्बा हुजूर के साथ साथ हमें भी याद रखें। लोग कहें कि बेटा हो तो शहजादे सलीम जैसा शूरवीर, लाखों में बुद्धिमान फौलादी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने लेखकों से कहिए कि वो हमारे बारे में अच्छी अच्छी फौलादी फौलादी बातें लिखें। अब सब कुछ आपके हाथों में है बीरबल जी। आपके बारे में भी कुछ लिखना है? हाँ। क्या बीरबल जी, आप अपने लेखकों से कहिए कि वासु तो जहां बना अकबर का बायां हाथ था। बायां? नहीं 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 नहीं, दाया हाथ था। दाया? नहीं, दोनों हाथ था। और वासु के बिना तो जहां बना अकबर कोई काम ही नहीं कर सकते थे। जैसे? जैसे कि जहां बना अकबर अपने पजामे का नाड़ा ही नहीं बांध सकते थे, क्योंकि उसको बांधने में तो अपने दोनों हाथ लगते हैं ना। जहांपनाह, बीरबल जी को जो आपने अपने ऊपर किताब लिखवाने की जिम्मेदारी दी थी, जरा पूछिए उनसे कि क्या हुआ उसका। हाँ बीरबल, बताइए ना क्या हुआ उसका। जापना, आपकी गाथा लिखी जा रही, क्या है कि 10 प्रतिभावान लेखकों का दल आपकी गाथा लिख रहा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा जहांपनाह। 10 क्या, हमने तो आज तक किसी एक लेखक को भी नहीं देखा। हमें तो जरूर दाल में कुछ काला नजर आता है बीरबल। अरे नहीं जापना, ऐसी बात नहीं है, विश्वास कीजिए हम पर, आपकी गाथा पर काम किया जा रहा। पर कहां हो रहा है ये जापना? हमें जरूर एक दिन चलकर उसका मुआयना करना चाहिए। अबुल जी सही कह रहे हैं, हमें भी लेकर चलिए, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे बारे में लिखा क्या जा रहा है। हाँ जापना,
चलते हैं ना। लेकिन जहां पना बात यह है कि जहां वो लेखक लिख रहे हैं वहां आप हाथी घोड़े रथ के साथ नहीं जा सकते, चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि उन लेखकों को एक शांत जगह चाहिए थी लिखने के लिए। तो यहां से 40 गोज दूर चलने के बाद एक पहाड़ी आएगी। अब उस पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी तरफ से उतरने के बाद 50 कोस दूर एक घना जंगल आएगा। अब जंगल में 40 कोस दूर चलने के बाद एक नदी आएगी जापन। नदी में 40 कोस दूर तैरने के बाद एक बड़ा सा समुंदर आएगा। समुंदर में 80 कोस दूर तैरने के बाद एक टापू आएगा। उस टापू के बीच एक शांत जगह है। वही ये सारे लेखक मिलकर आपकी गाथा लिख रहे हैं। चलिए चलते हैं। हाँ चलते हैं ना। अरे क्या चलते हैं, क्या चलते हैं, क्या है कि वहां पर सब लोग लिख रहे होंगे। अब हम पहुंच जाएंगे तो हमारे अदब में सब खड़े हो जाएंगे, फिर वो लिखेंगे कैसे। हम नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह उन्हें परेशान करें, तो रहने देते हैं। खाली बीरबल हमें इतना बता दीजिए कि उन्हें हमारी ये किताब खत्म करने में वक्त कितना लगेगा। बस जा पर 2 माह। किसकी माह? 2 माह मतलब 2 महीना। 2 महीने माँ, 2 माह। आदाब जापना। आइए आइए अबू फजल जी, आइए। जापना, हम आपको ये बताने आए हैं कि 2 महीने से अधिक गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी गाथा का कोई अता पता नहीं है। हमें तो शक है, दाल में जरूर कुछ काला है। आप जो कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। आप बुलाइए जरा बीरबल को, तुरंत यहाँ बुलाइए। जापना, कोई आपको बहका रहा है और आप उसके बहकावे में आ रहे हैं। आपकी गाथा तो कब की तैयार है? सच बीरबल, अगर हमारी गाथा तैयार है तो हमारे सामने पेश की जाए। हाँ जापना, आपकी गाथा आपको मिल जाएगी परसों। परसों तक क्यों? वो जापना, पहाड़, पहाड़ के बाद नदी, नदी के बाद टापू, टापू के बाद हाँ, याद है, वो बहुत दूर है, आएगी, वक्त लगेगा। ठीक है, परसों तक हमारी गाथा हमारे सामने पेश की जाए। बीरबल, 2 रातों से हम सो नहीं पाए, इतनी बेसब्री हो रही है ना हमें, बस अब और इंतजार नहीं हो रहा है। हमारी गाथा कहाँ है? आपकी गाथा बिल्कुल तैयार। खामोश खरगोश, तालियां बजाने के लिए नहीं कहा है उन्होंने, वो गाथा को मंगवा रहे हैं। इस तरह ताली बजाकर दास को बुलाया जाता है, समझ रहे हैं आप? ताली बजाते हैं तो दास आते हैं। ये अरे वाह, इतनी मोटी किताब। हाँ, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। हम अपने सेहतमंद अब्बा हुजूर की सेहतमंद किताब को हरगिज नहीं गिरने देंगे, अपने फौलादी हाथों से पकड़ लेंगे। खामोश खरगोश, आपके पिता अगर सेहतमंद हैं तो साथ साथ में अकलमंद भी हैं, आप सिर्फ अकलबंद हैं। लाइए किताब को, यहाँ लाइए, हमें देखना है, अपनी गाथा देखनी है हमें। बीरबल जी, इसमें हमारे बारे में तो लिखा है ना? मेरे बारे में? आप दोनों के बारे में कुल मिलाकर 250 पन्ने लिखे हैं, 250 पन्ने। और बीरबल हमारे बारे में? अरे आप लोग अपना ये हिसाब किताब बाद में करते रहिएगा, पहले हमें अपनी गाथा को जरा देखने दीजिए। लाइए यहाँ लाइए। आपके बारे में कुछ नहीं लिखा है रानी साहब। क्या बीरबल, आपकी हिम्मत कैसे हुई? इन दोनों के बारे में 250 पन्ने लिखे और हमारे बारे में
ढाई अक्षर प्रेम के भी नहीं लिखे। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, पर इन दोनों ने हमें पहले ही बता दिया था कि इनके बारे में लिखना है, बताया था ना? हाँ तो कोई बात नहीं ना बीरबल, हम अभी बता देते। अरे रानी साहिबा, अब रहने दीजिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहाँ है चिड़िया? अरे कहावत है रानी साहिबा, हम कह रहे हैं कि अब आप कैसे लिखवा सकती हैं, ये गाथा तो पूरी हो चुकी। जब आप हमारे बिना पूरे नहीं हो सकते तो ये गाथा भी हमारे बिना पूरी नहीं हो सकती। और हमारी भी एक कहावत सुन लीजिए, हर कामयाब शहंशाह के पीछे उसकी नानी होती है। हमारा मतलब है उसकी रानी होती है ना बीरबल, है ना? बात तो सही कह रही है रानी साहिबा जी। जापना, रानी साहिबा के जिक्र के बिना आपकी ये गाथा अधूरी है। तो आप क्या क्या करें अब? जापना, हम ऐसा करते हैं कि रानी साहिबा का अध्याय इस गाथा में जोड़ देते हैं। एक बार हम वो जोड़ देंगे, फिर दोबारा आपके सामने ये गाथा पेश करेंगे। हमें कुछ समय दीजिए। पर तब तक इसमें क्या लिखा है ये तो देख लीजिए जापना। ये आपने सही बात की, तब तक हमारे बारे में तो देख ले। लाइए लाइए जरा दिखाइए। खबरदार, जब तक हमारे बारे में गाथा में लिखा नहीं जाता तब तक कोई भी इसे छुएगा नहीं। बीरबल आप हमारे साथ चलिए हमारे कक्ष में, हम बताएंगे हमारे बारे में क्या लिखा जाएगा। तब तक जापना। चलिए बीरबल। जो हुकुम रानी साहिबा। बीरबल तो अंगूर खाओ। हेलो, ये क्या इतना जल्दी खा भी गए? हाँ बीरबल, इस गाथा में ये जरूर लिखवाना कि रानी साहिबा को गुलाब के फूल बहुत पसंद है और उससे भी ज्यादा अंगूर बहुत पसंद है और उससे भी ज्यादा करौंदे का अचार बहुत पसंद है। वाह वाह, नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया बीरबल। रानी साहिबा, आप इस गाथा में ये सब लिखवाना चाहते हैं? और नहीं तो क्या, ये हमारी खासियत है। रानी साहिबा, ये तो आम बात है, इसमें खास क्या है? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि इतिहास में जिन औरतों ने अपना नाम लिखवाया है उनमें कुछ ना कुछ तो खास था। मसलन सीता मैया, तब सीता मैया अग्नि परीक्षा से गुजरी थी तभी लोगों को उनका नाम याद। तो अगर आपको इस गाथा में अपना नाम लिखवाना है तो आपको भी क्या? हमें अग्नि परीक्षा? नहीं नहीं बीरबल, नहीं नहीं नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो खास करना पड़ेगा ना रानी साहिबा। अब द्रौपदी जी को ही ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, शीरहरण की बात नहीं कर रहे हैं। द्रौपदी जी के पांच पांच पति थे, पांच, और आपके तो सिर्फ एक ही पति हैं। क्या इसका मतलब ये है बीरबल कि अगर हमें गाथा में अपना नाम लिखवाना है तो हमें भी पांच शादियां करनी होगी? मैंने रानी साहिबा, पांच शादी नहीं, लेकिन कम से कम एक दो तो। बीरबल, रानी साहिबा, अगर इतिहास में अपना नाम लिखवाना है तो या तो शादियां करनी पड़ेंगी या फिर अग्नि प्रवेश, वरना पहाड़ में जाइए गाथा। भाई हमारी गाथा में क्या लिख? ये तो हमारी गाथा है बीरबल, ये हमारी गाथा को किसने चलाया, ये किसने किया ये? माफी चाहेंगे जहां पर ना, लेकिन आपकी गाथा हमने जला दी। रानी साहिबा, अगर ये गुस्ताखी आपने की है तो हम आपको आज कल उम्र मुआफ नहीं कर सकते। आपने हमारी गाथा को जला दिया। जाबरा, आपके असली गुनहगार तो हम हैं। रानी साहिबा ने आपकी गाथा को नहीं जलाया,
इस किताब में कोई गाथा नहीं थी, ये तो कोरे कागज थे जापाना जो रानी साहब ने चलाए। हमने आपसे झूठ कहा था कि आपकी गाथा लिखी गई। आपने हमसे झूठ कहा बीरबल? हमसे? अपना देखिए, हम तो आपसे पहले से कहते आ रहे हैं कि आप खुद अपनी गाथा मत लिखवाई। अगर खुद के मुंह से अपना गुणगान किया तो क्या कमाल किया। जापाना, जापाना एक असली बादशाह की पहचान उससे है कि लोग उनका गुणगान करें। शाही खजाने से जो धन हमने लिया था उससे उत्तरी दिशा में जो बाढ़ आई थी उस पर बांध का काम कर दिया है और वहां के लोग हष्ट पुष्ट है, खुश है और आपका गुणगान कर रहे हैं। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी आपकी गाथा लिखेगी। सच कह रहे हैं आप बीरबल। कागज पर लिखी गाथा तो मिटाई जा सकती है जापना, लेकिन जो गाथा लोगों के दिलो दिमाग पर लिखी जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है और वही होती है एक बादशाह की असली गाथा। बहुत खूब, बहुत खूब।